अस्सलामुअलैकुम जी, कपड़े धो रही हूँ आज मैं, आपको नज़र आ रहा होगा शायद, कपड़े धुल रहे हैं, ये देखें कपड़े धुल रहे हैं और साथ साथ जो है वो बाकी काम भी हो रहे हैं। तो आज मैंने सोचा कि इतने सारे काम फैले हुए हैं तो मैं बना लेती हूँ आलू वाले चावल, जल्दी जल्दी से बन जाएंगे। अभी सफाई भी नहीं की, अभी नाश्ते वगैरह से फ़ारग हुए हैं तो मशीन लगाई है बस मैंने, और बेटे का दरमियान वाला जो बेटा है उसका कोर्स आ गया है, बहुत मुश्किलों से दुकानें खुली हैं तो बुक्स आई हैं, अभी मैं आपको चेक कराती हूँ बुक्स। अभी किचन वगैरह साफ़ किया है और बर्तन धोए हैं, ये देखें चिड़ियों ने जो घोंसला बनाया है, चिड़ियाँ अभी गई हुई हैं यहाँ से, और ये मैंने छेड़ा नहीं है, इसी तरह है बाहर देखें, ये सामने वालों की छत नज़र आ रही है, और यहाँ पर ये देखें ये इनकी अंगूरों की बेल लगी हुई है और बहुत बड़े बड़े अंगूरों के गुच्छे जो है ना वो यहाँ से नज़र आते हैं। कपड़े तमाम धुल गए हैं जी, ये आखिरी कपड़े हैं, आइए ऊपर चलते हैं। कपड़े मैं साथ साथ डाल के आती रही हूँ ऊपर छत पे, और बहुत ज़्यादा धूप होगी है, गर्मी होगी है, जैसे ही धूप होती है तो गर्मी बहुत ज़्यादा हो जाती है। ये देखें कपड़े जो है ना वो मैंने डाले हुए हैं, और ये आखिरी चादर है, इसको भी फैला देते हैं, एक बच्चा कोई पतंग उड़ा रहा है इतनी धूप में। ये आखिरी चादर है जो मैं फैला रही हूँ, बाकी सारे कपड़े जो हैं वो धुल गए। बादल देखें इसी तरह गुबार सा हुआ रहता है दो तीन दिन से। चलिए नीचे चलते हैं, टोकरी को रख देते हैं मशीन में। आ गए हैं जी, तो अब फटाफट तैयारी कर लेते हैं चावलों की। तो ले लेती हूँ आलू प्याज, लहसुन भी ले लिया है, प्याज भी ले लिया है, और आलू भी ले लेते हैं। तो चलिए इसको काट और छील लेते हैं, फिर बनाते हैं चावल। अल्हम्दुलिल्लाह प्याज कट गई है, और यहाँ पर मैंने आधा कप घी गर्म होने के लिए रखा है, तो घी हो चुका है गर्म, तो प्याज डाल देते हैं बिस्मिल्लाह, ठीक है, और साथ साथ लहसुन भी छील के और उसको पीस लूँगी, ठीक है। ये प्याज थोड़ी सी इसमें लगी हुई है, जल्दी जल्दी काम करना पड़ेगा क्योंकि छोटे बेटे को पढ़ाना भी है, ऑनलाइन उसका टेस्ट है। तो प्याज हमने हल्की आँच पर रख दी है, साथ साथ हम लहसुन को भी छील के और उसको कूट लेंगे। लहसुन छिल गया है तो इसको कूट लेते हैं हम लहसुन को। ब्राउन हो गया है, इसमें लहसुन डालते हैं जो हमने पीस लिया था, साथ में अदरक भी पीस लिया था हमने, मैं आपको दिखा नहीं सकती वीडियो में। दो मिनट चला लेंगे, दही मैंने फेंट लिया है, मैं दही शामिल करती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अच्छा जी अब तमाम मसाले डाल देती हूँ। अदरक मिर्च है, लाल मिर्च पाउडर है, धनिया है, और ये आधी चाय की चम्मच धनिया है, लाल मिर्च पाउडर जो है वो अपनी मर्जी से डालेंगे, नमक है एक चम्मच, आधी चाय की चम्मच हल्दी है, आधी चाय की चम्मच चीज़ें जो है वो मसाले जो है वो मैंने इसमें डाल दी हैं जी, को भून लेंगे। आलू भी शामिल कर दिए हैं मैंने, आपने देखा था मैंने चार अदद आलू लिए थे, आलू भी शामिल कर दिए, अब भून लेते हैं इसको अच्छी तरह। तीन गिलास पानी डाल दिया है और इसको ढक देते हैं ताकि आलू जो है वो गल जाएं, और यहाँ पर जो है ना वो मैंने चावल धोकर भिगो दिए हैं। तकरीबन 10 मिनट हो गए हैं आलू रखे हुए को, तो मैं उठाती हूँ और आलू जो है ना वो गल चुके हैं,
ये देखें आलू गल गए, तो इसमें डाल देती हूँ मैं चावल। तमाम चावल में डाल देती हूँ। अच्छा जी, मैंने इसमें 3 चम्मच जो है ना चाय के नमक भी डाल दिया है, क्योंकि नमक जो था वो मैंने कम शामिल किया था आलूओं की वजह से, तो नमक मैंने इसमें डाल दिया है। और ये देखें, बस 1-2 मिनट पकाने के बाद मैं इसको दम पर रख दूँगी। 10 मिनट हो गए हैं, तो उठाते हैं ढक्कन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह चावल जो हैं वो हमारे तैयार हो गए हैं। इसको मैं मिक्स कर लेती हूँ, उलट पुलट कर लेती हूँ। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी, आलू वाले चावल जो हैं वो तैयार हो गए हैं, कपड़े भी धुल गए हैं, और बेटे को साथ साथ पढ़ा भी रही हूँ। बुक्स मैंने आपको नहीं दिखाई, अगली वीडियो में दिखा दूँगी, क्योंकि मुझे याद नहीं रहा। और अब वीडियो एंड होने का वक्त आ गया है, सलाद भी काट ली है मैंने। तो आपको आज की वीडियो कैसी लगी है, अच्छी लगी है तो प्लीज़ जल्दी से लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, ऑल के ऑप्शन को प्रेस करें, और वीडियो को एंड तक देखा करें, वीडियो को शेयर किया करें, और फीडबैक में ज़रूर बताना है आपने वीडियो कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।